बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट एनसी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे, साथ ही हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नए पैटर्न के बेस पर। तो यहाँ पर अगर हम सीटेट की बात करें तो नोटिफिकेशन और फॉर्म जो है वो पहले भरा दिया गया है आपका, अभी चल रही है प्रोसेस। वहीं पर अगर हम यूपी टेट की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, जारी कर दिया गया है। 28 नवंबर को आप सभी के पेपर होने हैं। ऐसे में अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट जो है वो पहले है, इसीलिए यहाँ पर हम यूपी टेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिन्हें आप अगर सॉल्व करते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका बेहतर तरीके से यूपी टेट क्लियर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास के 30 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम 15 क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। अगर हम ईवीएस की बात करें उसमें से आपको डेली 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट के आपके 15 क्वेश्चंस डेली के रहेंगे। यहाँ पर डेली आपको 3 वीडियोस अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। रोज़ आपके तीनों वीडियोस, जैसे हिंदी, ईवीएस, बाल विकास हो गया, फिर जो नेक्स्ट डे रहेगा उसमें आपका इंग्लिश, मैथ और संस्कृत, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना। तो यहाँ पर अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम आज के इस वीडियो को बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। तो जैसा कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बात की जाए, तो यहाँ पर आपका अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में आपका पैडागोजी सेक्शन ज़्यादा रहता है। वहीं अगर हम बात करें यूपी टेट की तो उसमें आपका पैडागोजी सेक्शन कम रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपके मिलते जुलते रहते हैं, तो आप इसे यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम आज के अपने इस भाग एक से, यानी पार्ट वन से। यहाँ पर ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है, सीखना क्या है। अगर हम कोहलर के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने अपना सूज का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने संज्ञानात्मक पहलू पर जोर दिया। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर वन का सी हो जाएगा। आप खुद से भी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू पूछा है कि किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। आप अगर किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप कब से उसे प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करें। अगर हम दोस्तों बात करें किसी नई भाषा को सीखने के लिए, तो हम अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। अगर हमें अक्षर नहीं पता होगा, हमें शब्द नहीं पता होंगे, तो हम किसी नई भाषा को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए शिशु अवस्था में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान, अतः अक्षरों तथा शब्दों के मध्य सहचर से नई भाषा सीखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर टू का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र या किस प्रकार के छात्र जो हैं वो शामिल होते हैं। तो जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हम 2 प्रकार के छात्रों को लेकर के चलते हैं, जिसमें हमारे सामान्य बालक होते हैं, जैसे जिनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 90+ होता है, जो विशिष्ट छात्र होते हैं जिनका आईक्यू लेवल या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, जिसमें गिफ्टेड चाइल्ड होंगे, मंद बुद्धि बालक होंगे, इस तरह के सभी प्रकार के बालक देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की कक्षा जो कहलाती हुआ समावेशी कक्षा कहलाएगी, ठीक है। इसमें हम सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्रों को साथ लेकर के चलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का बी हो जाएगा। खुद से भी आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 पूछा है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। जब भी बात करें दोस्तों गणित संबंधी अधिगम अक्षमता की, यानी गणित में
या गणित का संबंध किससे होता है? गणना करने से, ठीक है। गणना करने में अगर कोई समस्या आती है, कोई दोष आता है या कमी आती है, तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो जब भी गणित का प्रश्न आए तो गणना दोष से हम उसे परिभाषित करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इनमें से आप खुद से भी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता का होना आवश्यक है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा। वहीं क्षमता, निर्णय का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, देखिए ये सभी जो हैं आपके निगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम समावेशी की बात करते हैं तो इसमें संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व संवेग का नहीं होगा वो आपको बताना है। तो जब भी हम संवेग की बात करते हैं तो जो भी हमारे संवेग हैं, संवेगों की बात करें तो संवेग का संबंध उत्तेजना से लगाया जाता है, ठीक है। तो संवेग में हमारा व्यवहारात्मक संवेग आ जाएगा, दैहिक और संज्ञानात्मक, ये सभी पक्ष या तत्व होते हैं संवेग के। अगर हम बात करें इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो संवेदी ये जो है ये आपका संवेग से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, इनमें से कौन सा क्षेत्र का सही क्रम है वो आपको बताना है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके पूरा क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विजिबल है, तो संवेग की जैसे ही बात करते हैं, संवेग के लिए सबसे पहले संज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान जो है नॉलेज का होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम किसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र के सही क्रम की। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है, ज्ञान का अवबोध करेंगे, ठीक है, यानी उस पर विचार या धारणा रखेंगे, उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे, फिर संश्लेषण करके उसका मूल्यांकन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही क्रम अगर हम बात करें संज्ञानात्मक क्षेत्र के सही क्रम की। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता की बात करें, कौन कौन से विशेषताएं हो जाएंगी, तो वांछनीय सूचनाएं देने वाला, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक यानी लोगों का शासन या लोगों की चीज़ें, ये सभी अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ हैं, जबकि स्वेच्छाचारी ये चीज़ विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस तरह से यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है स्वेच्छाचारी, तो स्वेच्छाचारी आपका ई हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, सिद्धांत वगैरह बहुत पूछता है कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आप खुद से भी इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। 9 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप खुद से भी करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने इसका आंसर सी बताया है, सूचना प्रक्रियाकरण, उनका आंसर सही है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण के परिवार से संबंधित है, जिसे डेविड आसुबेल ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रत्यक्षों तथा तथ्यों का बोध कराना तथा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना है। करेक्ट आंसर इस तरह से यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो यहाँ पर कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है वो आपको बताना है। तो 11 की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शाखीय अभिक्रम। कौशलों के स्थानांतरण के लिए शाखीय अभिक्रम उपयोगी है,
इसके जो प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर थे। इसमें छात्र प्रत्येक पद से सही उत्तर का चुनाव करते हुए अन्य पद तक पहुंचता है, जिसे वह अपनी त्रुटियों का स्वयं निदान करता है और अगले पद पर पहुंचता है। यानी शाखाओं के माध्यम से एक के बाद एक अपनी त्रुटियां पहचानते हुए चीज़ों को की ओर वो बढ़ता रहता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा DL-ED BED में कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर खुद से करें, 12 की बात करें। जिन भी स्टूडेंट ने इनका आंसर डी बताया है, यानी इसका आंसर डी बताया, वो बिल्कुल सही है। निगमन से आगमन नहीं होता है, पहले हम आगमन विधि द्वारा यानी उदाहरण के माध्यम से बच्चों को बताते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं यानी व्याख्या देते हैं। तो आगमन से निगमन की ओर होगा, ना कि निगमन से आगमन की ओर, ठीक है। ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ पर आगमन से निगमन होता तो करेक्ट हो जाता, क्योंकि आगमन में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद उस पर व्याख्या देते हैं यानी एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? ये आप सभी को पता है, सभी ने पढ़ा है। अभी मैंने बीएड के एग्ज़ाम के दौरान भी कई सारी चीज़ें सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड बताई थी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर खुद से भी करने की कोशिश करें। जिन भी स्टूडेंट ने इसका आंसर 13 का सी बताया है, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद जो होता है वह योजना बनाना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। पहले आप योजना बनाएंगे, ठीक है। पद कौन से होते हैं शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण के? पाठ योजना बनाना, सूक्ष्म शिक्षण, आलोचना, पुनः पाठ निर्माण, पुनः शिक्षण और पुनः आलोचना, ये 6 पद होते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? आपको बताना है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा अवबोध स्तर का के शिक्षण में शामिल नहीं है। तो 14 की बात करें, 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अन्वेषण। जबकि पृथक्करण, अनुप्रयोग और तुलना, ये अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होंगे, अन्वेषण इसमें शामिल नहीं होगा। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, 15 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा? वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर 15 की बात करें, तो यहाँ पर शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व शंकु संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्तित्व उपलब्ध हों। उसके बाद अगला है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये सभी पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सही उत्तर को आपको चुनना है। 15 की बात करें तो 15 में ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, 1, 2, 3 तीनों आ गए। तो यहाँ पर आप फाइंड करें, करेक्ट आंसर डी है, 1, 2, 3 ये तीनों शामिल होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यानी जो 15 आपके बचेंगे उनको हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के द्वारा अभी बताएं, ताकि जो आपकी क्लासेस हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं, उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। ये आपके कमेंट पर ही निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।